बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं। वहीं पूर्णिया में AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनावी सभा की। इस सभा के दौरान विरोधियों पर ओवैसी जमकर बरसे। NDA और महागठबंधन पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी झूठ का खजाना है जो NPR और NRC के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार को जनता नकार चुकी है और इनके झूठे झांसे में जनता नहीं आने वाली। सीमांचल की जनता के साथ दोनों ही सरकारों ने ठगने का काम किया है। की जनता ने तुमको विधायक बनाया, MLA बनाया, तुमने कारखाना बनाया, नहीं बनाया। फिर आप ये भी देख लीजिए कि अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, बीमार होते हैं, इलाज नहीं होता है। तो ये चार काम बड़े अहम है। एक तो हर एक आदमी तक सड़क, बाढ़ से निजात, फ्लड आएगा तो मुआवजा मिलेगा, बच्चियों के लिए स्कूल और डिग्री कॉलेज, कारखानों की दावत देना, कारखानों को गवर्नमेंट को बोलकर यहाँ पर कायम कराना, और अस्पताल में सही अस्पताल हो ताकि उसमें डॉक्टर हो, दवाएं हो। ये चार काम करने के लिए, ये चार काम हम करेंगे। इसके लिए हमको चांद पर जाकर खाक नहीं लाना है। यहाँ जिस किसी की हुकूमत बनेगी, जो कोई भी पटना में बैठेगा, हम उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। और अगर इंसाफ नहीं होगा तो याद रखो, अगर मुख्यमंत्री इंशाल्लाह उपेंद्र कुशवाहा भी बन जाएंगे, और अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लाखों लोगों को लेकर पटना जाकर बैठ जाएगा। जब तुमको सीमांचल से मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, क्योंकि हमको ये उड़न कठोले में जाना है वापिस, इसलिए आपसे पहली किस्त के तौर पर ये बात कह रहे हैं। अब रहा सवाल आखिरी बात, देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।